झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लेस, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया भर में चिंता का माहौल है, लेकिन मध्य प्रदेश के किसानों को इस युद्ध का लाभ मिलता दिख रहा है। दरअसल रूस यूक्रेन में युद्ध के चलते वहां से गेहूं का निर्यात नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते भारत के गेहूं की मांग बढ़ी है। इसका फायदा देश के किसानों को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के किसान भी खुश हैं, क्योंकि खुले बाजार में गेहूं 500 रुपये तक ऊंचा बिक रहा है। खंडवा में हर दिन लगभग 20,000 क्विंटल गेहूं मंडियों में पहुँच रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में गेहूं के दाम लगभग 3,000 रुपये प्रति क्विंटल तक जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में गेहूं का सरकारी पंजीयन शुरू हो चुका है। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2,050 तक है, लेकिन खुले बाजार में यह 2,000 से 2,500 रुपये क्विंटल तक बिक रहा है। हालांकि अभी सरकारी गेहूं की खरीद शुरू नहीं हुई है, लेकिन किसानों को इस बार खुले बाजार में ही अच्छी कीमत मिल रही है, जिससे किसान खुश हैं। इस बार मंडी में गेहूं की आवक फरवरी से ही शुरू हो गई है और मार्च तक गेहूं की आवक ने रिकॉर्ड बना लिया है। समर्थन मूल्य अधिक मिलने से मंडी में वाहनों की कतार लग रही है। बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध के चलते अभी तक भारत से निर्यात होने वाले गेहूं का आंकड़ा मौजूदा वित्तीय वर्ष में फरवरी अंत तक ही करीब 7 मिलियन टन हो चुका है। लेकिन उल्लेखनीय है कि रूस और यूक्रेन के बड़े पैमाने पर अनाज का उत्पादन किया जाता है। ये दोनों देश पूरी दुनिया के कुल गेहूं निर्यात का एक तिहाई हिस्सा निर्यात करते हैं। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा अनाज उत्पादक देश है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के चलते भारत का अनाज निर्यात बढ़ा है। आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में 111.32 मिलियन टन गेहूं का उत्पादन होगा, जो कि पिछले साल के 109 मिलियन टन से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके कारोबार के लिए फंड और लोन जुटाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।